जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों तो दोस्तों आज का जो वीडियो है स्पेशली मैं बना रहा हूँ कि CRPF क्या क्या ड्यूटीज करती है, फुल एंड फाइनल रिपोर्ट आपकी कि CRPF क्या क्या ड्यूटी करती है। दोस्तों क्या क्या CRPF की ड्यूटीज़ होती हैं इसके बारे में ये पूरा वीडियो है। जितने भी मेरे दोस्त CRPF को ज्वाइन करने वाले आने वाले समय में जो CRPF में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही नॉलेज का वीडियो है कि CRPF की क्या क्या ड्यूटी होती है और क्या क्या CRPF ड्यूटी करती है, आप अपनी ड्यूटी के दौरान क्या क्या ड्यूटी करने वाले हो। दोस्तों साथ ही बता दूं जो मेरा दूसरा YouTube चैनल फौजी मैथ अकेडमी है दोस्तों, उस पर भी मैंने अब मैथ तो रीजनिंग के वीडियो बनाना शुरू कर दिए। तो जितने भी दोस्त पढ़ने के इच्छुक हैं मैथ तो रीजनिंग वो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है। और मैंने CRPF या सभी डिपार्टमेंट की सैलरी कितनी आने वाले सालों में कितनी हो जाएगी इस पर वीडियो बना रखे हैं जिनके लिंक नीचे हैं, तो आप जाके देख सकते हो दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि CRPF की ड्यूटीज़ क्या क्या है। तो बता दूं सबसे पहले जो ड्यूटी है क्रम से आपको बता रहा हूं कि जितनी भी ड्यूटी है उनको पहले लिखा हुआ है कि क्राउड कंट्रोल, भीड़ नियंत्रण। आपने देखा होगा CRPF भीड़ नियंत्रण, जहाँ पर भी कहीं पर भी कोई आंदोलन चल रहा है वहाँ पर ड्यूटी के दौरान CRPF को आपने ज़रूर देखा होगा। जहाँ पे भी अगर कहीं भीड़ नियंत्रण या दंगा फसाद चल रहा है तो वहाँ पर CRPF ज़रूर होती है दंगा फसाद को मिटने के लिए, या जहाँ आंदोलन वांदोलन चल रहा है तो ऐसी जगह में ज़रूर CRPF की ड्यूटीज़ होती है। तो सबसे पहली ड्यूटी है CRPF की क्राउड कंट्रोल, यानी भीड़ नियंत्रण करने का काम, या जहाँ पर 144 धारा 144 लगती है उसमें भी CRPF को ड्यूटी करते हुए आपने देखा होगा। जहाँ पर भी भीड़ उग्र रूप से हो जाती है, बढ़ जाती है, जहाँ पर पुलिस फोर्स कम हो जाती है, पुलिस से कंट्रोल में नहीं होता है, तो वहाँ पर CRPF की ड्यूटी आपने देखी होगी। तो जो पहली ड्यूटी है CRPF की वो है क्राउड कंट्रोल। उसके बाद में रिवोट कंट्रोल, यानी दंगा नियंत्रण। जहाँ पे भी कई जगह जैसे दंगा हो जाता है, चाहे वो इलेक्शन ड्यूटी में हो या कोई भी ड्यूटी हो जिसमें अगर दंगा फसाद हो रहा है तो उसको नियंत्रण करने का काम CRPF के अंडर आता है। आपने देखा होगा कई इलेक्शन ड्यूटीज़ में कई बार झगड़ा प्रसाद हो जाता है तो उसमें CRPF ही अपनी ड्यूटी निभाता है, और आपने जितने भी ड्यूटी देखी होगी वो CRPF की ड्यूटी वहाँ पर देखी होगी। तो CRPF ऐसे दंगा फसाद या दंगा नियंत्रण की भी ड्यूटी करता है दोस्तों। जैसे कि आप कोई भी आप दंगा ले सकते हो, उसमें CRPF की ड्यूटी रही है। जैसे कोई आंदोलन उग्र हो जाता है तो वहाँ पर भी CRPF ड्यूटी करती है, या आपको पता है हरियाणा में इससे पहले जब वो आंदोलन उग्र हुआ था जहाँ पे ट्रेनों की पटरियाँ उखाड़ दी थी तो वहाँ पर भी CRPF की मुख्य ड्यूटी थी। तो मतलब दंगा नियंत्रण में भी CRPF ड्यूटी करते हैं। उसके बाद में जो तीसरी ड्यूटी है 200 CRPF की वो है काउंटर मिलिटेंसी इंसर्जेंसी ऑपरेशन, यानी आतंकवाद का मुकाबला और उग्रवाद का विरोध। यानी आतंकवाद का मुकाबला, यानी CRPF को आपको पता है कि कश्मीर में CRPF की सबसे ज़्यादा बटालियन है जहाँ पर कश्मीर में, और उग्रवाद का विरोध या नक्सलवाइड बोल सकते हो, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर नक्सल एरिया जहाँ नक्सलवादियों से CRPF लोहा लेती है। तो यानी देश में आतंकवादी जो गतिविधियाँ होती है उनमें भी CRPF की ड्यूटी, जैसे कश्मीर जैसे एरिया में जहाँ पर बहुत ज़्यादा आतंकवाद है वहाँ पर भी CRPF की ड्यूटी होती है। तो CRPF आतंकवाद के खिलाफ भी ड्यूटीज़ करती है और उग्रवाद का विरोध, यानी अगर कोई उग्रवादी है जो देश के खिलाफ कोई भी मतलब उग्रवाद फैला रहे हैं किसी भी प्रकार का, चाहे कहीं पे भी, तो उसको भी CRPF उसके खिलाफ का ड्यूटीज़ भी करती है। जैसे नक्सलवादी हो गए, इन एरियों में ड्यूटी करती है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो CRPF की ड्यूटी रहती है या तो नक्सलाइड एरिया या कश्मीर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बटालियन CRPF की है, तो CRPF इन एरियो में ड्यूटी करती है दोस्तों। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में डीलिंग विद द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमाइज, वामपंथी उग्रवाद से निपटना। दोस्तों जो भी सरकार के विरुद्ध अगर कोई काम कर रहा है गैरकानूनी रूप से, सरकार के विरुद्ध अगर कोई गैरकानूनी रूप से काम कर रहा है तो उससे निपटना, यानी उससे निपटना, उसको बंद करना, उस काम को रोकना, ये सभी काम कौन करती है दोस्तों? ये CRPF करती है। उस काम को कैसे रोका जाएगा, उसको कैसे, अगर कोई भी सरकार के विरुद्ध जैसे हथियार लेके या प्रदर्शन करते हैं, नॉर्मल शांति प्रदर्शन का जो अधिकार है उसके अलावा जैसे हथियार लेके, कुछ कई बार ऐसा हुआ कि जहाँ हथियारों को से फायर कर देते हैं ऊपर सरकार के खिलाफ या किसी भी प्रकार से उग्रवाद पैदा करते हैं, तो जो वामपंथी उग्रवाद है उससे निपटने का काम भी CRPF देखता है अभी दोस्तों।
ओवरऑल कोऑर्डिनेशन, ओवरऑल कोऑर्डिनेशन का मतलब हो गया कि किसी प्रकार से कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। जैसे इलेक्शन ड्यूटी हो गई, इलेक्शन ड्यूटीज आपने देखी होगी जितने भी इलेक्शन होते हैं, चाहे स्टेट के इलेक्शन हो या सेंट्रल इलेक्शन हो या स्टेट गवर्नमेंट के, आपने देखा होगा या एमएलए या सरपंच, किसी के भी इलेक्शन में अगर जहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मतलब पंगा या जल प्रसाद हो रही है तो वहाँ पर आप सीआरपीएफ की ड्यूटी देते हैं, चाहे वो इलेक्शन हो या कोई बड़ी बड़ी रैली हो या धारा 144 जहाँ पर यानी लॉकडाउन जैसी स्थिति में या धारा 144 जहाँ पर लगती है वैसी स्थिति में सीआरपीएफ की ड्यूटी देती है। यानी ओवरऑल कोऑर्डिनेशन यानी देश में शांति बनाए रखने का काम सीआरपीएफ का है। आंतरिक सुरक्षा के रूप में जो देखती है देश की, जो आंतरिक सुरक्षा है यानी देश के अंदर कोई भी इस प्रकार की प्रॉब्लम ना हो जिससे कि देश का जो माहौल है वो बिगड़े, यानी ओवरऑल कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का काम भी सीआरपीएफ का, चाहे वो इलेक्शन हो या कोई बड़ी रैली हो या कोई बड़ा संगठन का कोई प्रोग्राम हो अपने यहाँ ऐसी स्थिति में, या कई किसी भी स्टेट में कोई बड़ा जो प्रोग्राम होता है जहाँ पर ज़्यादा ही लोगों एकत्रित होते हैं तो उनको मतलब कोऑर्डिनेशन करने के लिए, या इलेक्शन हो गया सबसे बड़ा, तो इन सभी में सीआरपीएफ ड्यूटी करती है। इसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ वीआईपी एंड विटल इंस्टॉलेशन, यानी प्रोटेक्शन ऑफ वीआईपी, जैसे कि जो आप सीआरपीएफ की वीआईपी बटालियन है अभी अभी वीआईपी बटालियन बन गई है, इसमें जो भी जाना चाहता है वो जा सकते हैं। ये वीआईपी बटालियन ये केवल वीआईपी सिक्योरिटी को देखती है, इसमें जैसे पीएम सीएम हो गए किसी स्टेट का, या आपके जो स्टेट मिनिस्टर है, अपने गृह मंत्री है, राज्य मंत्री है, होम मिनिस्टर, कोई भी डिफेंस मिनिस्टर, इन सभी मिनिस्टरों की जो सीआरपीएफ, आपको पता है पीएम की सिक्योरिटी तो एसपीजी देखता है, और एसपीजी में ऐसे सिलेक्शन नहीं होता, एसपीजी के लिए बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, एसपीजी में इतना आसानी से सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन उसके बाद में जो वीआईपी प्रोटेक्शन है उनमें सीआरपीएफ की सुरक्षा रहती है, चाहे वो देश के बड़े बड़े जो लोग हो जैसे अंबानी, तो उनको भी प्रोटेक्शन देने का काम वीआईपी प्रोटेक्शन के अनुसार उनको भी सीआरपीएफ प्रोटेक्शन देती है दोस्तों। और जो भी महत्वपूर्ण लोग हैं जैसे वीआईपी हो गए, या प्रोटेक्शन ऑफ वीआईपी और विटल यानी महत्वपूर्ण जो स्थापना है या जो भी स्थान है उनकी भी सिक्योरिटी आंतरिक रूप से सीआरपीएफ देखती है दोस्तों। फाइटिंग एग्रेशंस ड्यूरिंग वार, यानी युद्ध के समय दुश्मन से लड़ाई, अगर देश में कभी भी युद्ध की स्थिति होती है तो सीआरपीएफ का जो जवान है वो युद्ध की स्थिति में देश के लिए लड़ने के लिए तैयार रहता है। आप सभी को पता होगा चाहे आंतरिक सुरक्षा हो चाहे बाहरी सुरक्षा, अगर कभी देश पर बाहरी आक्रमण भी होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीआरपीएफ को आंतरिक सुरक्षा दी गई है तो वो क्या बाहरी क्षेत्र में केवल आर्मी के साथ युद्ध की स्थिति में भी युद्ध भी करते हैं। ये आपको ट्रेनिंग के इस चीज़ों की शपथ भी जो दिलाई जाती है कि मैं अपनी सर्विस के दौरान जल आग और थल या नभ में कहीं पे भी भेजा जाएगा अपनी ड्यूटी के लिए, मतलब विलिंग होके जाऊंगा, ऐसी आपको कसम भी दिलाई जाती है। जब आपकी पीओपी होगी लास्ट टाइम पे तब आपको ऐसी एक कसम में भी दिलाई जाती है। तो ये नहीं है कि आपको कोई भी प्रकार की ड्यूटी दे उसको आपको बखूबी करना है, तो सीआरपीएफ युद्ध की स्थिति अगर कभी देश में पैदा होगी तो उसमें अपनी वीरता भी जरूर दिखाई। आपको पता भी है कि सीआरपीएफ ने इससे पहले भी जो भारत कारगिल युद्ध या जितने भी देश में युद्ध हुए 1965 का जो युद्ध हुआ था उसमें भी अपनी वीरता के झंडे गाड़े हैं दोस्तों। इसके बाद में अगला है जो यूएन मिशन, पीस कीप मिशन जो यूएनओ द्वारा चलता है, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या जो यूएनओ की जो टीम है यानी इसमें जितने भी देश हैं उनका जो पीस कीप यानी शांति मिशन जो चलता है उसमें भी सीआरपीएफ के जवान, जो आप मेरे से पूछते रहते हो कि सर क्या विदेश जाने का मौका मिलता है, तो वो इसी मिशन के तहत ये ड्यूटी करती है सीआरपीएफ, और इसी के तहत यूएन मिशन जिसको बोलते हैं यूएन पीस कीप मिशन यानी शांति संगठन के लिए जो मिशन चलता है उसकी उसमें जो ड्यूटीज़ के लिए जाते हैं उसमें भी सीआरपीएफ के जवान हर साल जाते हैं दोस्तों। ये हर साल जाते हैं, हाँ इसमें किसका नंबर आएगा किसका नहीं आएगा ये तो आगे वक्त ही बताएगा, कईयों को आ सकता है सभी का नहीं आता है, लेकिन हाँ कुछ लोगों का इसमें नंबर आता है दोस्तों। तो ये ड्यूटीज़ हो गई। इसके बाद में और क्या ड्यूटी है, डिस्कस एंड रिलीफ ऑपरेशन एट द टाइम ऑफ नेचर क्लिमेट्स, यानी बचाव और राहत आपदा के समय। मान लो आपको पता ही है कि सीआरपीएफ जैसे एनडीआरएफ के रूप में
काम करती है। तो NDRF के रूप में जैसे भी अगर कोई नेशनल जैसे भूकंप, बाढ़ या इस प्रकार की कोई भी आपदा आती है उसमें CRPF अपनी ड्यूटीज निभाता है, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स के रूप में या NDRF, इनके रूप में बचाव और राहत का काम भी CRPF करता है दोस्तों। अब इसके अलावा अगर जो कुछ बच जाता है दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि जो मुख्य ड्यूटियां होती है यानी रोल जो होते हैं वो ये होते हैं। इसके अलावा जैसे महिला बटालियन के रूप में अलग से काम होता है, वो इसमें काउंट नहीं है कि CRPF, जैसे महिला बटालियन इसमें महिला प्रोटेक्शन हो गया या महिला के रूप में जो भी देश में आंतरिक शांति सुविधाएं हैं वो सभी स्पेशल ग्रुप जैसे कोबरा हो गया या NSG में जाते हैं, तो इनमें जो किरदार है SPG, इनमें जो किरदार है उनको इसमें काउंट नहीं किया है कि NSG SPG इनमें जाके जो CRPF के किरदार बन जाते हैं वो इसमें काउंट नहीं किए हैं, वो NSG के किरदारों में यानी रोल में काउंट कर दिए गए हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से कोबरा रैपिड एक्शन फोर्स हो गई या NDRF के रूप में भी या रैपिड एक्शन फोर्स, तो इसके रूप में CRPF की ड्यूटी रहती है। जैसे आतंकवाद के खिलाफ हो गई है, नक्सलवादियों के खिलाफ हो गई है, इलेक्शन में आपने ड्यूटी देखी होगी या देश में जो भी अगर कहीं पे भी उपद्रव हो रहा है उसको रोकने के लिए CRPF ड्यूटीज करती है, तो वहाँ चाहे महिला बटालियन या पुरुष बटालियन जो भी हो उसमें, या किसी भी स्टेट में, या जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस समय भी CRPF को सबसे बड़ा किरदार होता है, या कहीं पे भी जैसे लॉकडाउन की स्थिति हुई थी देश में या कहीं पे भी कर्फ्यू लगता है या 144 धारा लगती है तो उसमें भी CRPF काम करती है स्टेट पुलिस के साथ मिलकर, और आतंकवाद के खिलाफ आर्मी के साथ मिलकर, नक्सलवादियों के खिलाफ जो नक्सल की स्टेट पुलिस है उसके साथ मिलकर CRPF काम करती है। इसीलिए देश में आज CRPF का बहुत ही बड़ा नाम है दोस्तों। तो आप जितने भी लोग CRPF में आने वाले हैं उनको गर्व होना चाहिए CRPF पर कि वो इस प्रकार की ड्यूटियां करेंगे, और आज देश में सबसे ज़्यादा ड्यूटी करने वाली फोर्स CRPF है जिसको बहुत सबसे ज़्यादा प्रकार की ड्यूटियां हैं। तो आपको गर्व होना चाहिए CRPF पर कि आप CRPF फोर्स के मेंबर बनने वाले हो। तो जय हिंद, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए दोस्तों और अपने दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद।